बिलबारा ग्राम पंचायत में बिलबारा के हाट बाजार में नुक्कड़ सभा हुई है और युवा मोर्चा के तत्वाधान में जो आज हर घर की समस्या है उस समस्या को लेकर हमने ये नुक्कड़ सभा किया। बिजली का समस्या, क्योंकि जितने से पहले चुनाव से पहले भूपेश सरकार का वादा हुआ था कि हमने बिजली बिल हाफ करेंगे, मगर आज बिजली बिल हर घर की परेशानी हो गई है। लगातार हर घर की शिकायतें आ रही है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बिजली आ रही है। तो सरकार से यहाँ पर हम अवगत कराना चाह रहे थे, उससे पूछना चाहते हैं सरकार से कि बिजली तो आपने हाफ नहीं किया, मगर कहीं कहीं आज बिजली साफ हो गया है। यहाँ के वर्तमान विधायक लगातार भूमि करते हैं, करोड़ों का रोज सौगात लाते हैं। आज हमने यहाँ नुक्कड़ सभा किया, अपना गाड़ी के हेडलाइट जलाकर नुक्कड़ सभा किया, तो ये करोड़ों रुपए जब सौगात ला रहे हैं तो हम कहाँ कर रहे हैं? आज न तो कहीं बस बिजली लगी है, न तो कहीं बस और कुछ हो रहा है। जो अभी बिजली लगी है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो मैं क्लब कमरों से भी पूछना चाहती हूँ कि आप डेली के डेली भूमि पूजन करते हैं और एक दिन भी ऐसे विपर में होता नहीं है जो करोड़ रुपया का आप सौगात नहीं दे, तो वो सौगात कहाँ जाती है? क्या आप अपने लिए वो सौगात लाते हैं कि अपने कार्यकर्ता लोगों के लिए लाते हैं कि जनता के लिए लाते हैं? कि आज तक ये बिलबारा बाजार जो हाट बाजार में बिजली लगी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सिर्फ नाम के लिए और एक जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश पहले भी बेवकूफ़ बनाकर उनका मत ली है, आज भी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लगातार भूमि पूजन कर रहे हैं मगर कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पूछ रहे हैं, तो वहाँ के लोग कहना है कि यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे कोरिया जिला, हमारी MCB की जनता को गुमराह करने की प्रयास कर रही है सरकार, और साथ में गुलाब कमरों की कर रही है। मैडम, भानु प्रताप पूर्व जो उपचुनाव है वहाँ पर NSVI के महासचिव ने जो एक दुष्कर्म किया है, क्या उस पक्ष पर भी आप कांग्रेस पार्टी को कोई नसीहत देना चाहेंगी, हिदायत देना चाहेंगी? आज हमारा छत्तीसगढ़ अपराध का टापू बनते जा रहा है। जब से कांग्रेस सरकार आई है तो लगातार आज सिर्फ भानुपुर प्रताप की